कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं जो कभी नहीं आते हैं जी, बट आपके पैकेजेस में और बाकी सब जगह हर इंस्टीट्यूट के पैकेज में दिखेंगे, जेई में कभी नहीं देखा गया है कटिंग और स्प्रिंग और स्ट्रिंग का, ठीक है, बट बाकी जगह आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप एक बार समझ लेंगे तो हर जगह आप करेंगे। बहुत सिंपल फंडा है इनका बेसिकली, ठीक है, कि देखिए फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, कि जब आप इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, ऐसे हैंगिंग था ये आराम से इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स क्या होगा जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग को कट करते ही ये स्ट्रिंग बेकार हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं, कहीं भी फोर्स नहीं लगा सकती, ठीक है, जब आपने इस स्ट्रिंग को ही कट कर दिया है तो ये कहीं भी फोर्स नहीं लगा सकती, बेकार हो गई ये स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसलिए ये M2 पर भी फोर्स नहीं लगाएगी, तो M2 पर तो अब आप FPG ड्रॉ करिए तो कोई फोर्स ही नहीं बचा उस पर, तो यही तो थी जो फोर्स लगा रही थी उसको, कट गई, देख रहे हो आप, एम टू पर यही तो थी जो फोर्स लगा रही थी एम टू जी के अलावा, तो वो तो कट गई, तो इस पे क्या है केवल एम टू जी लग रहा है, तो एम टू जी इक्वल टू एम टू इन टू ए, तो इसका एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली आ गया, कितना आया जी निकल के आ गया, लो एक तो आ भी गया, ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया कि आपको एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स पूछा था, ऐसे इक्विलिब्रियम था ये वर्टिकली हैंगिंग, फिर आपने अचानक से ये काट दी, तो आपका जो M2 है उसका तो क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया, क्योंकि उस पर केवल M2G लगे, ठीक है, अब आपका सारा फोकस होना चाहिए इस कैपिटल M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसके लिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आपने जस्ट इसको कट किया तो स्प्रिंग फोर्स में एकदम से कोई चेंज नहीं आता है बेटा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स X पे डिपेंड करता है, ठीक है, अब जब आपने जस्ट कट किया तो अभी ब्लॉक का X तो जस्ट आफ्टर कटिंग वही है जितनी खिंची हुई थी उतनी खिंची हुई, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग तो आपका ये जितना स्प्रिंग खिंची हुई थी अभी भी उतनी खिंची हुई रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, जब आपने जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग वाली कंडीशन लेंगे तो स्प्रिंग का जो एक्स है वो एकदम से तो चेंज होगा, ठीक है, तो इसलिए आपका जस्ट एकदम सिस्टम में चेंज आने पर स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है, तो आप पहले इनिशियल स्प्रिंग फोर्स निकालिए, जस्ट आफ्टर कटिंग भी वही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो क्या आपने जस्ट बिफोर जो कटिंग बिफोर कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग इस पर स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं क्या, तो वो अब होपफुली सबको आता होगा, जब चुपचाप हैंगिंग ब्लॉक है तो आप इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है, हार्दिक बताइए इसमें दिक्कत तो नहीं है आपको इस पर जस्ट बिफोर कटिंग स्प्रिंग फोर्स निकाल, हाँ आप क्या करेंगे इस पर सिंपल फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, तो इसका एक तो वेट है M1 plus M2 into G वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और बाकी आप इसको सिस्टम लेंगे तो एक जगह से स्प्रिंग कॉन्टेक्ट में बेटा इसके बस, तो आप क्या करेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जाके पुल करेंगे अलॉन्ग द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो कितना फोर्स आएगा के एक्स नॉट, तो आप सिंपली इस पर क्या करेंगे फोर्स बैलेंसिंग कर, चुपचाप हैंगिंग था बिफोर कटिंग, देखो बिफोर कटिंग स्प्रिंग फोर्स इतना है, ये एकदम क्लियर है हार्दिक बताइए, yes, है ना, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू जी है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ द स्प्रिंग आपका ये एक इक्वेशन बन गया है कि एक्स नॉट निकल गया, अब कट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि एक्स नॉट चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक्स नॉट अभी भी है, जस्ट कटते ही ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा एकदम से एक्स चेंज, ठीक है, तो स्टिल द आपका फोर्स कितना है के एक्स नॉट है, डाउनवर्ड आपका एम वन जी लग रहा है, ठीक है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपसे पूछा है, तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं बेसिकली जस्ट आफ्टर द कटिंग, क्योंकि टी तो खत्म हो गया, टी तो कट गया, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स गायब हो गया, एक स्प्रिंग का कॉन्टेक्ट रहा और स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा, तो के एक्स नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये इसका वेट रहेगा, ठीक है, तो आप अब इस पर एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करिए, तो एम वन जी माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम वन ए वन, यही इक्वेशन बनेगी, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना है बस, सबका बेसिक यही है कि जस्ट आफ्टर कटिंग एकदम से सिस्टम में चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो आपने आप ऊपर भी ले सकते हो हार्दिक, कोई बात नहीं है बेटा, पॉजिटिव किधर भी ले रहे, ठीक है ना सर, वो जैसे स्ट्रिंग कट मतलब स्ट्रिंग कट होगी तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, नहीं नहीं किधर भी हो आपको नहीं पता ना, यही तो कर रहे हैं तब से F equals to M, आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम पता है, एक्सेलरेशन तो निकालना है, क्लियर थोड़ी नहीं एक्सेलरेशन, आप किधर भी मान लो, ठीक है ना, okay.
आपने आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन लेट से इधर मान लिए, ठीक है, तो आप फिर एक्सलरेशन, मतलब आपने एक्सलरेशन मान लिया इधर है, तो फिर आपकी ये प्रैक्टिस है कि देखो पहले आपने एक्सलरेशन इधर मान, ठीक है, अब आप चाहो तो अब भी ऊपर पॉजिटिव मान, ठीक है ना, फिर आप एक्सलरेशन को नेगेटिव लिखोगे, बट हमने प्रैक्टिस बना रखी कि जब भी हम एफ इक्वल्स टू एम ए लिख रहे हैं तो हम ए को ए की डायरेक्शन जिधर मान रहे हैं ना उधर ही हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जिससे फिर इसको नेगेटिव नहीं लिखना पड़ता, केवल फोर्सेज ही पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने पड़ते। अब एक्सलरेशन मैंने मान लिया डाउनवर्ड है, ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, तो एम वन जी पॉजिटिव हो जाएगा, देखो एम वन जी के एक्स नॉट नेगेटिव माइनस के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम वन, के एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो यार, ठीक है ना, के एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो एम वन प्लस एम टू इंटू जी, तो आपका एक्सलरेशन कितना आ जाएगा, देखिए आप एक्सलरेशन नेगेटिव आ गया मच। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जिधर पॉजिटिव मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हार्दिक ये बात समझ रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, एफ इक्वल्स टू एम ए में आप एक इधर भी ले सकते हैं, बट वो कंडीशन ध्यान रखिए कि जब कंस्ट्रेंट आप यूज कर, तो मैंने बोला है कि जिधर आपने एफ इक्वल्स टू एम ए के लिए ए माना है, कंस्ट्रेंट में भी ए उसी डायरेक्शन में मानना है सब चीजों में, अगर वहां पे आप रिवर्स कर देंगे तो फिर कंबाइन होके आपका आंसर सही नहीं आया, ठीक है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। ऐसे अभी आपको एफ इक्वल टू एम ए लगाना है, आपने किधर भी ए मान, ठीक है, अब एफ इक्वल्स टू एम ए की प्रैक्टिस हमने ऐसी कर रखी है कि हम ए जिधर मानते हैं उधर ही पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है, जैसे फोर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, तो फिर हमें वहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा एक्सलरेशन को नेगेटिव, ठीक है, तो हो सकता है हम भूल जाए, तो हमने एक प्रैक्टिस बना रखी है कि एफ इक्वल टू एम ए जब लिख रहे हैं तो जिधर हम ए मान रहे हैं उधर ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते, अगर वो ए नेगेटिव आ जाएगा तो सीधी सी बात है हमने जो पॉजिटिव मानी थी मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग आपका ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाने वाला है, दोनों ये तो कट गया, ये तो जी से जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सलरेशन ऑफ दिस, ठीक है, और एम टू का मैंने आपको बता ही दिया, एफ इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे तो एम टू कट जाएगा, ए टू कितना आएगा जी के बराबर आएगा, ठीक है, तो ये आपके पेपर्स में पैकेज में एससीवी में नहीं है एक भी प्रॉब्लम ऐसा, ठीक है, इनमें आता रहता है, तो आप कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ता है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जा रहा है, कभी भी गलती नहीं करे, तो कभी एग्जाम में भी आ जाए तो आप तैयार, ठीक है।